दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और अब अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। देखिए, जिस देश में, जिस समाज में अगर हम अन्नदाता की कदर नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ संसद चल रही है, मैं नहीं जानता किन विषयों पर वहाँ डिबेट हो पा रही नहीं हो पा रही, लेकिन ये अहम संसद है, इसमें इनकी बात सुनने, किसानों का हौसला बढ़ाने, किसान आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को यह एहसास दिलाने कि वे अकेले नहीं हैं, एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आ रहा है। लगातार हमारी कोशिश रही है शुरुआत से ही, क्योंकि यह आंदोलन देश भर के किसानों का है, किसी राज्य तक सीमित नहीं, किसी जाति या धर्म का सवाल नहीं है, देशव्यापी मुद्दा है। जिस तरह से सरकार ने जबरदस्ती कानून पारित कर और जो सरकार की मंशा है, आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से सीधा बात करेंगे, देश के प्रधानों से सीधा बात करेंगे, रोज कुछ ना कुछ बहाना से उनकी मीटिंग होती है, अपने पार्टी के लोगों से वो चुनाव के संबंधित बातचीत करते हैं, लेकिन वो किसानों से नहीं मिलना चाहते। जैन जी, लगातार लोग